सोनिया बाजी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी इस दौर में इतनी मदद की, बहुत शुक्रिया। बस दुआ में याद रखिएगा नाजरी, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता, हमारा सिर्फ ये होता है कि चीजें मुस्तहिक लोगों तक पहुंच जाए और ट्रांसपेरेंटली पहुंच जाए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मोरा टीवी ना कोई एनजीओ है, ना कोई सीबीओ है, ना कोई ऐसा इदारा है जिसे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से कोई सस्टेनेबल फंडिंग हो। हम अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं, अपने उन बहन भाइयों दोस्तों की मदद से चल रहे हैं या उन इदारों के साथ चल रहे हैं जो इदारे हमें हेल्प करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं और ट्रांसपेरेंटली चीजें जैसे आती हैं वैसे कम्युनिटी तक पहुंचा दी जाती है। जैसे कि आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि सेट पे इस वक्त कुछ खूबसूरत और दीदा जेब मलबूसात, क्विल्स, ब्लैंकेट्स, कुछ पॉट्स, कुछ बर्तन और कुछ मुतफरक अशिया मौजूद हैं। तो यकीनन हम अपना प्रोग्राम करने जा रहे हैं ऑर्फन गर्ल्स वेडिंग का, वो यतीम बच्चियाँ जिनको हमारी कम्युनिटी के लोग जो है सपोर्ट करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम उनको किसी तरीके से भी हेल्प आउट कर सकें उन ऑर्फन बच्चों की शादियों में एज मच एज वी कैन। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये शहनाज तशरीफ लेके आई थी और ये हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है और हमारी कम्युनिटी मेंबर भी हैं और इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि इनकी एक भांजी हैं और जिनके वालिद साहब जो हैं वो दुनिया में नहीं हैं, इंतकाल फरमा चुके हैं और उस बच्चे की शादी है तो उसके लिए इन्हें कोई सपोर्ट या हेल्प की ज़रूरत है। तो अपने वीएन को और अपने मिशन को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने जहां तक मुमकिन हो सका हम लोगों ने कांटेक्ट किया मुख्तलिफ इदारों के साथ, लेकिन सूदमंद हमें हमेशा की तरह अखुवत ही साबित हुआ और अखुवत का बहुत बहुत शुक्रिया हम दिल की यथा गहराइयों से अखुवत के मशकूर हैं कि अखुवत को हमने जब भी रेफरेंस लेटर वेरीफाइड करके भेजा है किसी वेरीफाइड केस के लिए तो उन्होंने कभी भी रेफ्यूज़ नहीं किया और हमेशा उन्होंने उसके ऊपर एज सून एज पॉसिबल जो है इम्प्लीमेंट किया है। तो सबसे पहले मैं, मेरी कम्युनिटी मेंबर और हम सब लोग बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से अखुवत क्लॉथ बैंक के मशहूर हैं कि उन्होंने इस बार भी हमें डिनाई नहीं किया बल्कि हमारी हौसला अफजाई की है। तो आइए मिलते हैं मैडम शहनाज से और इनसे कुछ रिमार्क्स लेते हैं, कुछ तासरात लेते हैं और पूछते हैं कि आज ये साजो सामान बेशक थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये सारी चीजें पा के कैसा महसूस कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूं, आप सुनाएं सोनिया। मैं भी ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र। जी बाजी शहनाज, कैसा महसूस कर रही हैं आप? हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके और अखुवत वालों के जिन्होंने हमारी हमेशा की तरह मदद की है और दिल की गहराइयों से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं आपका भी और दुआ गो हैं कि अल्लाह आपको भी और इनको भी बहुत खुश रखे, इसी तरह गरीबों की मदद करते रहें। अब आप क्या समझती हैं कि ये सारी चीजें तो आगे मुझे मतलब बेटियों के माशाल्लाह से शादियों में अनुसार बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन कुछ किसी हद तक मदद हुई आपकी? हाँ, बहुत सारी मदद हो गई, बच्ची खुश हो जाएगी, हम भी खुश हैं और यही आज के दौर में बहुत कुछ है मेरे लिए। नाजरी, महंगाई के दौर में ना इस तरह का इस वक्त पुरफतन और महंगाई का नफ्सा नफ्सी का आलम जा रहा है, आप यकीन करें कि आज के दौर में कोई दिया सलाई भी दे दे तो वो भी किसी गनीमत से कम नहीं है, लोग वो भी देने से गुरेज करते हैं शायद हमारे कहीं काम आ जाएगा। लेकिन ये बड़े खूबसूरत है, ये देखिए साड़ियाँ भी हैं, काम वाले सूट भी हैं, कुछ अनसिले चाइल्ड सूट भी हैं, बेड शीटें भी हैं और कुछ पॉट्स हैं और क्विल्ट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, जूतियाँ भी हैं फैंसी। तो देखें कुछ ना कुछ तो उनकी हेल्प आउट हुई ना, तो हम अखुवत का ये जो इनिशिएटिव है हम लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मैं एक्नॉलेज करती हूँ इस चीज़ को कि अखुवत जो है, अखुवत क्लॉथ बैंक, वो हमारी कम्युनिटी के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा है। सो वी ऑल आर वेरी ग्रेटफुल टू देम। अल्लाह ताला आपको और ज्यादा जज्बा दे और तरक्की दे और कामयाबी दे ताकि आप लोग इसी तरह ही हमारी कम्युनिटी की हेल्प आउट करते रहें और उनके दुख दर्द में, उनकी खुशी गमी में और उनके दुखों सुखों में किसी तरह से
یوں جو ازالہ کر رہے ہیں اسی طرح سے ازالہ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آمین. تو مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو ہمارے یہ چھوٹا سا ایپیسوڈ اور ہماری اورفنز گرلز ویڈنگ کا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. ہمیں فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ نوبل کاز یہ کاوش کیسی لگی, کیونکہ آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمیں پازیٹیو انرجی پرووائڈ کرتا ہے اور ہمارا مزید اچھا کام کرنے کو دل چاہتا ہے. تو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے مجھے اور بھانجی شہناز کو, پھر حاضر ہوں گے ان شاء اللہ ایک نئی ایپیسوڈ اور ایک نئی اچھی کاوش کے ساتھ. اللہ نے کہا مورٹ ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ فوری مل سکے. مورٹ شو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.